नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। कलनरी कैंप की एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं चॉपिंग बोर्ड्स के बारे में। चॉपिंग बोर्ड्स आप लोग अपने किचन्स में इस्तेमाल करते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, और हमको सिखाया जाता है कि बहुत सारे अनेक प्रकार के, मतलब आप बोलेंगे यहाँ पे 6-7 प्रकार के मैंने लिखे हैं, चॉपिंग बोर्ड होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडेड होते हैं। क्वेश्चन हमसे ये भी पूछे जाते हैं कि भैया आप बता दीजिए कि व्हाइट चॉपिंग बोर्ड में हम किस प्रकार का जो रॉ मटेरियल है या मटेरियल है हम लोग काट सकते हैं, या किस प्रकार से हम एक येलो, रेड, ग्रीन वाले चॉपिंग बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। पर क्या आपको ये मालूम है क्या सिर्फ एक सिंगल चॉपिंग बोर्ड या सिंगल कलर के चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करके भी आप पूरे होटल्स में काम कर सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ कलर कोडेड हमारा इसलिए ही होता है होटल्स के अंदर। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है क्रॉस कंटेमिनेशन, कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना फैले, मतलब कि एक बैक्टीरिया दूसरे जगह ना फैले। सिर्फ इसी कारण से चॉपिंग बोर्ड्स हमारे अलग अलग होते हैं और अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। मान लीजिए अगर मैं सब्जी काट रहा हूँ, सब्जी के अंदर कुछ बैक्टीरिया है, बाहर से सब्जी आई है, या कोई कुक्ड मीट है मैं उसे काट रहा हूँ, उसके अंदर किसी प्रकार के बैक्टीरिया है और फिर वही चॉपिंग बोर्ड किसी दूसरी चीज़ में यूज़ हो रहा है, हो सकता है कि उस पर मैं ब्रेड काट रहा हूँ, हो सकता है कि उस पर मैं मच्छी काट रहा हूँ, तो वो क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है। इसी वजह से हर किसी टाइप के फूड के लिए अलग अलग चॉपिंग बोर्ड्स होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में होते हैं, और आप बोल सकते हैं सिर्फ एक यही एक रीज़न है क्रॉस कंटेमिनेशन, जिसके कारण या ताकि लोगों को ईजिली याद रहे कि भैया उनको अलग अलग चॉपिंग बोर्ड यूज़ करने हैं। हम में से आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता होता है कि भैया जो चॉपिंग बोर्ड है वो कलर कोडेड क्यों है। हमें लगता है ये रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने हैं। जी हाँ, ये रूल रेगुलेशन ही है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, पर उनके पीछे मेन कारण हमारा सिर्फ यहाँ पर ये क्रॉस कंटेमिनेशन ही होता है। सिर्फ इसी वजह से हम लोग अलग अलग प्रकार के चॉपिंग बोर्ड को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड्स के कई प्रकार के जो कलर्स होते हैं वो भी लिखा है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। सबसे पहले एक हमारा चॉपिंग बोर्ड आता है रेड। रेड माने लाल रंग, लाल रंग का चॉपिंग बोर्ड आपका होता है। इसके ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं रॉ मीट। रॉ मीट के अंदर आप क्या क्या आ जाता है, लैम आ जाता है, आपका बीफ आ जाता है, आप यहाँ पे आप अपना पोर्क भी आप लोग काट सकते हैं, इसी प्रकार के मीट आप इस पर काटते हो। रॉ मीट माने कच्चे मीट। दूसरा यहाँ पे आता है हमारा ब्लू। ब्लू माने नीला, नीले रंग का चॉपिंग बोर्ड होता है, कहीं पे डार्क होता है, कहीं पे लाइट होता है, दोनों सेम ही होता है। तो इसके ऊपर हम लोग काटते हैं रॉ फिश, रॉ वाली मच्छी, रॉ वाली जो मच्छी होती है उसको हम लोग इसके ऊपर काटते हैं। तीसरा यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड है वो है हमारा येलो। येलो माने पीला, कहीं पे डार्क होता है, लाइट होता है, और इसके ऊपर हम लोग जो कटिंग करते हैं वो होती है हमारी पोल्ट्री। पोल्ट्री के अंदर हमारे क्या क्या आ जाते हैं, पोल्ट्री के अंदर हमारा चिकन भी आ जाता है, डक भी आ जाता है, टर्की भी आ जाती है। तो इसी प्रकार के सारे जानवर या पक्षी आप बोल सकते हैं, डोमेस्टिक बर्ड इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, वो सारे के सारे हम लोग येलो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर काटते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चॉपिंग बोर्ड आता है वो आता है हमारा व्हाइट। माइट माने सफ़ेद। इसके ऊपर हमारे जो भी डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ब्रेड हमारे हो गए, हम लोग वो काटते हैं, हमारे बटर हो गए, बटर को काटना है, अगर वहाँ पे पनीर काटना है, चीज़ काटना है, तो सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स के आइटम हम लोग यहाँ पे इस पर यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा ब्राउन। ब्राउन माने हमारा भूरे रंग का चॉपिंग बोर्ड, और इस पर हम लोग काटते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे उस प्रकार की वेजिटेबल्स होती हैं जो कि हमको कुकिंग करनी होती है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कुकिंग, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। COOKING कुकिंग। मान लीजिए मेरे पास प्याज है और मुझे उसके बाद उसके ग्रेवी बनानी है, तो मैं इस वाले चॉपिंग बोर्ड में उसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे एक नीचे और चॉपिंग बोर्ड भी है जो कि है ग्रीन, उसका जो यूज़ है मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, मेरे पास टमाटर है, मुझे सब्जियाँ बनानी है, उसको कुकिंग करनी है, तो मैं करूँगा यहाँ पे ब्राउन चॉपिंग बोर्ड यूज़। आलू काटने हैं, मैं करूँगा ब्राउन चॉपिंग बोर्ड यूज़। वहीं इसके विपरीत जो इसके नीचे वाला चॉपिंग बोर्ड है ग्रीन, जिसमें कि मैंने लिखा रेडी टू ईट, ऐसी चीज़ें जो कि डायरेक्ट आपको खा लेनी है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे को टमाटर काटने हैं और टमाटर को मेरे को सलाद के लिए इस्तेमाल करना है, तो मैं टमाटर को ब्राउन में ना काट के मुझे टमाटर को ग्रीन में काटना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो चॉपिंग बोर्ड है वो है मेरे रेडी टू ईट का। सेम उसी प्रकार से प्याज है, अगर मुझे प्याज का सलाद बनाना है तो प्याज के सलाद को मैं ब्राउन पे नहीं काटूंगा, मैं काटूंगा प्याज के सलाद को अपने ग्रीन कलर के चॉपिंग बोर्ड के ऊपर या ग्रीन चॉपिंग बोर्ड पे। आप बोल सकते हो वो सारे के सारे आइटम जो कि इसके बाद खाए जाने वाले हैं, जैसे कि मेरे फ्रूट्स हो गए, मुझे मैंगो काटना है, मैंगो छिल के आपको फिर सर्व करना है, पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, तो ऐसे आइटम जो कि आपको डायरेक्ट इसके बाद कंज्यूम कर लेने हैं, कोई भी कुकिंग नहीं होनी है, तो वहाँ पे आपका जो ग्रीन चॉपिंग बोर्ड यूज़
होता है। पर आप कुछ भी अगर आप काट रहे हैं, खासकर मैं सब्जियों की बात करूँगा, तो उनको वॉश रिंस और सैनिटाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वॉश रिंस सैनिटाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉश कोई भी सब्जी अगर आप यूज़ करते हैं, रिंस आर आई एन एस टी और सैनिटाइज एस ए एन टी आई जेड ई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो कोई भी अगर आप सब्जियाँ ले रहे हैं तो वॉश रिंस सैनिटाइज वाला प्रोसेस उसको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे लास्ट यहाँ पे जो चॉपिंग बोर्ड आ जाता है वो आ जाता है हमारा पर्पल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पर्पल। अब जो ये पर्पल वाला चॉपिंग बोर्ड है मोस्टली आपको होटल्स में नहीं मिलता है, जी हाँ। पर अब जैसे जैसे अवेयरनेस फैल रही है, या मेरी इस वीडियो को देखने वाले जो भी शेफ़ हैं या जो भी मैनेजर्स हैं, होटल के ऑनर्स हैं, वो जरूर यूज़ करने लग जाएंगे। ये वाला चॉपिंग बोर्ड है वो यूज़ करते हैं हम लोग एलर्जेंस के लिए, जी हाँ। एलर्जेंस क्या होता है, हमें एलर्जी होती है, किसी को फिश से एलर्जी होती है, किसी को वीट से एलर्जी होती है, ठीक है। तो जिसको भी कोई एलर्जी होती है, तो जो भी कुकिंग उन लोगों के लिए होती है, तो उनके लिए ये स्पेशल चॉपिंग बोर्ड पर्पल कलर का चॉपिंग बोर्ड यूज़ किया जाता है, ताकि उनसे जो किसी दूसरे को एलर्जी ना हो जाए, ठीक है जी। तो जो भी एलर्जेंस वाले वाले जो खाने होते हैं, या एलर्जेंस जिनको भी होता है, या उनके लिए कुकिंग की जाती है, तो वहाँ पे हम लोग अपने जो पर्पल कलर का चॉपिंग बोर्ड यूज़ करते हैं। एलर्जेंस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो जाके देख लेना, आपको एलर्जेंस के बारे में भी कम्प्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड्स के बारे में, चॉपिंग बोर्ड डिफरेंट क्यों होते हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, तो क्रॉस कंटेमिनेशन उसका आंसर है। अब तक जिसने भी ये वीडियो देख ली होगी, यहाँ पे आपने ऊपर देख लिया है मैंने कलनरी कैंप लिखा है, तो कलनरी कैंप की हम लोगों ने क्लासेस यहाँ पे मैंने चालू करी है यूट्यूब पे, सेम यही मैं लाइव क्लासेस भी करने की प्लानिंग में है, ठीक है जी। एक आप बोल सकते हैं क्लास एक लाइफ टाइम लर्निंग है, जहाँ की जो हमारी स्पेशल जो भी हम लोग चीज़ें करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। बेसिकली इसका एम है कि भाई हर एक स्टूडेंट को एक अच्छी नॉलेज मिले और वो अपने लाइफ में कैरियर में अच्छा करे। नीचे नंबर्स दिए गए होंगे, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप भी उन क्लासेस को इनरोल कर सकें और अपने ऊपर अपनी शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट कर सकें, और आप भी इस कलनरी जो कैंप का हिस्सा बन सके। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।